दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय ठाकुर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ढलियारा। केंद्रीय बजट आते ही लोग नफे और नुकसान का हिसाब किताब लगाने में जुट गए हैं। आम बजट में पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाने के सरकार के फैसले के बाद इसका असर शनिवार को धर्मशाला के पेट्रोल पंपों पर देखने को मिला। मोदी सरकार के इस फैसले को आम जनता किस चश्मे से देखती है, इसका जायजा लिया दिव्य हिमाचल वेब टीवी की टीम ने। आइए जानते हैं क्या कहते हैं स्मार्ट सिटी के उपभोक्ता। आम बजट में मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला तेल की कीमतों में वृद्धि का है और उसका सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। हम यहां धर्मशाला पेट्रोल पंप पर हाजिर हैं और हम यहां उपभोक्ताओं से जानना चाहेंगे कि इससे कितने प्रभावित हैं और किस तरह से देख रहे हैं मोदी सरकार के फैसले। आपका क्या सुझाव है? अजय जी, जो तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है उसको कैसे देखते हैं, कितना नफा नुकसान हो रहा है उसको? जी सर, यातायात में बहुत प्रभाव पड़ रहा है सर। हम तो ये सरकार से गुजारिश करते हैं कि तेल की कीमतों को कम करें। तो आपने देखा कि जो वाहन चालक हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में जो है वो कमी होनी चाहिए। तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण लोगों में रोष है और लोग ये मांग कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि तेल की कीमतों में कमी हो। भाई साहब, आपका क्या सुझाव है? अभिजीत, पिछले कल जो बजट आया है उसमें तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, आप उसको कैसे देख रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं? तो तेल की कीमतें, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि तेल की कीमतों में जो कमी आनी चाहिए। बस अब आपका क्या सुझाव है? शिवम जी, तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, आप कैसे देख रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? तेल का जो प्राइस बढ़ रहा है उसको कम किया जाए और जो भी चीज़ें जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसको कम किया जाए। तेल की कीमतों में इसी तरह वृद्धि होगी तो महंगाई भी बढ़ेगी और महंगाई के कारण प्रभावित होने वाली है। इसलिए इन तेल की कीमतों की वृद्धि से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। आपका क्या सुनना है? दीपराज, तेल की कीमतों में पिछले कल जो बजट आया है उसमें वृद्धि हुई है, आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। तो आपका क्या सुनना है? दीपराज जी, तेल की कीमतों में पिछले कल जो बजट आया है उसमें वृद्धि हुई है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, कितना असर महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत असर महसूस कर रहे हैं, बहुत महंगाई हो रही है, बहुत फर्क पड़ रहा है। तो आपने देखा कि हर कोई तेल की कीमतों की बढ़ने से प्रभावित है और हर किसी के जहन में यही बात है कि इससे महंगाई बढ़ने वाली है। क्या सुनना है आपका? मेरा नाम है तिलकराज प्रसंग। तिलकराज जी, पिछले कल जो बजट आया है उसमें तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मतलब गवर्नमेंट जो करिए बिल्कुल जल्द करिए, आगे GST लाना है इन्होंने ना, तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगे, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर बंदा अपनी सोच से काम करता है, कुछ इनकम करता है उसमें GST है, तो अपना इनकम टैक्स कटा कर भी गवर्नमेंट जो है मतलब टैक्स काट रही है। तेल की कीमतों से कितना असर पड़ेगा क्या लगता है? नहीं, बहुत ज़्यादा जी, इसमें बहुत ज़्यादा लगे, मतलब यही गैस होगी लाइक, मतलब डीजल और पेट्रोल में जो है ना, इसमें GST है, जरूरी है। कीमतों में पिछले कल वृद्धि हुई है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, कितना असर महंगाई हुई है, किस तरह का असर? महंगाई तो बहुत हो गई है, आम जनता के लिए तो पेट्रोल डलवाना मतलब मुश्किल ही होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जैसे इसकी बढ़ोतरी होती जाएगी तो आम जनता के लिए तो पेट्रोल डलवाने के लिए मुश्किल हो जाएगी। अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं उन्हें फर्क पड़ता है। आपने देखा कि जो मिडिल क्लास के जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो उनका मानना है कि तेल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसका बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। वो कह रहे हैं कि तेल की कीमतों में वृद्धि के बजाय कमी होनी चाहिए। रवि जी, पिछले कल जो आम बजट आया है मोदी सरकार का उसमें तेल की कीमतों में वृद्धि की गई, आप कैसे देख रहे हैं, क्या उसमें कमी होनी चाहिए? तो ऐसा वृद्धि हुई है कोई, मगर ये टैक्स लगाए, टैक्स लगा तो देश के काम ही आएगा, तो एक दो रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि एक दो रुपये की जो तेल में वृद्धि हुई है इससे तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर टैक्स लगेगा तो ये देश हित में ही होगा।
कैमरामैन विनोद कुमार के साथ पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल, धर्मशाला। ठाकुर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा आधारित शैक्षणिक संस्थान, गुणवत्ता सहित संस्कार मिश्रित विश्व स्तरीय शिक्षा, छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल, बीएड, एमएड, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी मैथ्स, एमकॉम, डिप्लोमा इन वेटनरी, फार्मासिस्ट के लिए आए ठाकुर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। स्कॉलरशिप फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, आईआरडीपी। यदि आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य और शारीरिक विकास चाहते हैं, तो आइए ढलियारा पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, शूटिंग भी सिखाई जाती है। आज ही संपर्क करें या फिर लॉगिन करें।